नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स यानी परमाणु ईंधन कॉम्प्लेक्स जो है उसमें वैकेंसी आई है डिफरेंट लोकेशंस पर और डिफरेंट कैटेगरी की। ये जो वैकेंसी आई है ये आई है रावतवाटा कोटा राजस्थान में, इसके अलावा जिरकोनियम कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में। तो आज हम आपको इन वैकेंसी की पूरी जानकारी देने वाले हैं, पेज क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं राजस्थान में कौन कौन सी वैकेंसी आई है। तो देखिए, ये वैकेंसी आई है 21901 पोस्ट कोड से लेके 21926 न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स रावतवाटा कोटा राजस्थान में, स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी वन की। इसमें वैकेंसी 39 है, रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। मैकेनिकल की वैकेंसी आई है 16, दो वैकेंसी है केमिकल की, इलेक्ट्रिकल की है 7, दो है इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 1, कंप्यूटर साइंस की 1, सिविल की 6, आर्किटेक्चर की 1, ऑटोमोबाइल की 1। इन सभी के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंसर्न फील्ड में। वहीं अगर हम बात करें केमिस्ट्री डिसिप्लिन की, तो वो कहने जिन्होंने बीएससी केमिस्ट्री से कर रखा है उनके लिए एक वैकेंसी है, और इसमें केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स, मैथ, स्टैटिक्स, बायोलॉजी एज सब्सिडी सब्जेक्ट होने चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए बीएससी में। हॉर्टिकल्चर के लिए एक वैकेंसी आई हुई है और आपने बीएससी कर रखी हो हॉर्टिकल्चर में कम से कम 60% मार्क के साथ। तो ये बात हो गई कैटेगरी वन की। अब बात कर लेते हैं हम कैटेगरी सेकंड की। तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड के लिए वैकेंसी आई है 184। इसमें आईटीआई वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, साथ ही 12th पीसीएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आईटीआई वाली देख लेते हैं वैकेंसी। फिटर के लिए वैकेंसी 95 है, टर्नर की आई है 12, वेल्डर की आई है 3, मशीनिस्ट की 5, इलेक्ट्रिकल की 20, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 5, एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन की 1, डीजल मैकेनिक की 1, प्लम्बर की 2, कारपेंटर की 2 और मैसनरी की 1 वैकेंसी है। इसके लिए आपने 10th पास कर रखा हो कम से कम 60% मार्क के साथ, और आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम 1 साल का रिलेवेंट ट्रेड में। अब बात कर लेते हैं उन वैकेंसी की जो आई है 12th पास कैंडिडेट के लिए या फिर आपने आईटी कर रखा हो। तो देखिए, लैब टेक्नीशियन की 3 वैकेंसी है और केमिकल प्लांट ऑपरेटर की वैकेंसी आई है 34। इन दोनों वैकेंसी के लिए या तो आपने 10th पास कर रखा हो 60% मार्क के साथ, साथ ही आपने कम से कम 1 साल की आईटी कर रखी हो, या फिर आपने 12th पास कर रखा हो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ, कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो या तो आपने आईटी कर रखा हो 10th के बाद, या आपने पीसीएम से 12th पास कर रखा हो 60% मार्क के साथ, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी हम देख लेते हैं, अपर डिविजन क्लर्क की आई है, ऑफिस स्टाफ की 12 वैकेंसी है, 25,500 प्लस अलाउंसेज आपको मिलेंगे। एज लिमिट आपके लिए कम से कम 18 साल है और मैक्सिमम है 27 साल। रिलैक्सेशन अप्रूवल दिया जाएगा और आपके पास बैचलर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में 50% मार्क के साथ, यानी आपने बीए बीएससी बीकॉम कर रखा हो, कोई भी सब्जेक्ट आपके पास हो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको कंप्यूटर का ज्ञान हो। बात कर लेते हैं वर्क असिस्टेंट, हॉस्पिटल वर्क असिस्टेंट की। तो इसके लिए 20 वैकेंसी आई हुई है, सैलरी आपको मिलेगी 18,000 प्लस अलाउंसेज। इसके लिए एज 18 से लेकर 27 साल और योग्यता है कि आप 10th पास होने चाहिए। अगर हम बात करें जो वैकेंसी तमिलनाडु में आई है, तो देखिए स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट की वैकेंसी आई है 6, इसमें केमिकल की वैकेंसी 5 है और इसके लिए केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है। वही केमिकल बीएससी केमिस्ट्री की 1 वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास बीएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री में 60% मार्क के साथ। स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड के लिए वैकेंसी आई है 6, इसमें केमिकल प्लांट ऑपरेटर की वैकेंसी है 6, और ये 6 वैकेंसी है। इसके लिए आपने 10th के बाद आईटी कर ली हो, 60% मार्क्स आपके 10th होने चाहिए, या फिर आपने 12th पास कर रखा हो पीसीएम के साथ, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कैंडिडेट जिन्होंने 10th के बाद आईटी की है वो अप्लाई करेंगे, साथ ही वो कैंडिडेट जिन्होंने 12th पास कर लिया पीसीएम से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक टाइप की वैकेंसी और आई हुई है, यह आई है कल्पक्कम तमिलनाडु में, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग सेकंड की 6 वैकेंसी है। इसमें इलेक्ट्रिकल की 1, इलेक्ट्रॉनिक्स की 2, प्लम्बर की 1, टर्नर की 1 और फिटर की 1 वैकेंसी, 6 वैकेंसी टोटल। इसके लिए आपने 10th पास कर रखा हो 60% मार्क के साथ और 1 साल की आईटी अपने रिलेवेंट फील्ड में कर रखी हो। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो देखिए स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए एज लिमिट है 28 से लेकर 24 साल और रिलैक्सेशन अप्रूवल दिया जाएगा। वहीं स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड के लिए एज लिमिट है 28 से लेकर 22 साल। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 2 साल की ट्रेनिंग पर जाना होगा, जो कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड की वैकेंसी है। बाकी यूडीसीओ वर्क असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वहाँ आपकी डायरेक्टली ज्वाइनिंग होगी, लेकिन यहाँ आपको 2 साल की ट्रेनिंग करनी होगी और ट्रेनिंग के दौरान आपको निर्धारित भत्ता दिया जाएगा। ट्रेनिंग पास करने पर ही आपको पे लेवल 7 में शामिल किया जाएगा कैटेगरी फर्स्ट वालों को, वहीं लेवल 3 में शामिल किया जाएगा कैटेगरी सेकंड वालों को। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो कैटेगरी 1 वाले जो हैं डिप्लोमा वाले और बीएससी वाले, उनको पहले साल 16,000 रुपये महीने, दूसरे साल 18,000 रुपये महीने मिलेंगे, और जब आप सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल 2 साल के बाद 44,900 प्लस अलाउंस मिलेंगे, यानी आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 60,000 रुपये महीने। वहीं जो कैटेगरी सेकंड वाले हैं उनको
यानी जो आईटीआई वाले हैं उनको 10,500 रुपए महीने मिलेंगे पहले साल, 12,500 मिलेंगे दूसरे साल, और सिलेक्शन फाइनल होने पर आपको 25,500 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा टेक्नीशियन सी को, वहीं टेक्नीशियन बी को 21,700 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा। साथ ही आपसे एक बॉन्ड भी भरवाया जाएगा कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड वालों से कि आपको 3 साल की सेवा कम से कम करनी होगी, और आप 3 साल से पहले जॉब छोड़ते हैं तो आपको पैसा जमा कराना होगा। लेकिन जो हॉस्पिटल असिस्टेंट की वैकेंसी है और जो वैकेंसी है यूडीसी की, वहां कोई भी बॉन्ड साइन नहीं करना है। हाइट की बात करें तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी वन और कैटेगरी सेकंड के लिए आपकी 152 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए मेल के लिए, वही फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर। वजन हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और आपकी आंखें अच्छी हो, डिस्टेंट विजन 6/18 से ज्यादा न हो, नियर विजन N8 से ज्यादा न हो, और आपके सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो वो कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे कैटेगरी फर्स्ट के लिए, उनका पहले प्री एग्जाम होगा, स्क्रीन टेस्ट होगा, उसके बाद उनका होगा इंटरव्यू। और इस टेस्ट में जनरल वालों को 50%, एससी ओबीसी वालों को 40% लाने होंगे, वहीं एसटी वालों को 35% लाने होंगे। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पर बनेगी। वहीं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें आईटी वालों के लिए, तो आईटी वालों का पहले टेस्ट होगा, 50 नंबर का एक पेपर आएगा, उसको आपको पास करना होगा। इसमें आपके मैथ के सवाल आएंगे, साइंस के आएंगे और जनरल अवेयरनेस के आएंगे। इसमें पास होने के बाद आपका एडवांस टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट में भी आपके यही सब रहने वाला है, इसमें भी आपको पास होना होगा, उसके बाद आपको फिजिकल में भी पास होना होगा, उसके बाद ही आपको शामिल किया जाएगा। अगर हम बात करें यूडीसी के लिए, 21925 पोस्ट कोड है, तो आपका जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ का पेपर आएगा, उसमें आपको 40% मार्क्स लाने होंगे, उसके बाद ही आपको पास माना जाएगा। वहीं जनरल वालों को 50% लाने होंगे। इसके बाद आपका लेवल सेकंड होगा इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रिहेंशन का, वो भी आपको पास करना होगा। हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए पहले आपका प्री टेस्ट होगा 50 नंबर का, उसके बाद होगा आपका एडवांस टेस्ट, एडवांस टेस्ट के बाद ही आपको शामिल किया जाएगा। बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जो पोस्ट कोड कैटेगरी फर्स्ट वालों का उसके फीस है 150 रुपये, बाकी सबके लिए 100 रुपये। SC/ST वुमेन कैंडिडेट और एक्सेसमैन साथ ही PH कैंडिडेट को कोई फी पे नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं आवेदन आपको कैसे करना है, तो आपको www.nfcrecruitment.aptonline.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, या फिर आप www.nfc.gov.in से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो भी एज लिमिट है वो 10/1/2020 को ही काउंट की जाएगी। तो आपको अप्लाई करना है nfcrecruitment.aptonline.in से। अगर इस भर्ती के बारे में और आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप हेल्प डेस्क नंबर 0401066-0259, साथ ही nfc.helpdesk@aptonline.in पर संपर्क कर सकते हैं सोमवार से शनिवार 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। साथियों आप इम्पोर्टेंट फिर सुन लीजिए, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग डेट है 21 दिसंबर, लास्ट डेट है 10 जनवरी। साथियों मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।